हेलो फ्रेंड्स, पंकज बैक अगेन विद अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जावास्क्रिप्ट में कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं, उनके बारे में समझेंगे एंड डिटेल में देखेंगे एग्जांपल के साथ में कैसे कंपैरिजन ऑपरेटर्स वर्क करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग पिछले वीडियोस में देख रहे हैं ऑपरेटर्स के बारे में, तो इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। टू कंपेयर टू वैल्यूज वी यूज द कंपैरिजन ऑपरेटर्स। दो वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स को यूज करते हैं एंड कंपैरिजन ऑपरेटर्स को हम एक लिस्ट से देख सकते हैं कि कौन कौन से कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं। सो कंपैरिजन ऑपरेटर्स की अगर बात करें तो पहला हमारा हमने एक टेबल बनाया है जिसमें लेफ्ट में ऑपरेटर है एंड राइट में उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। सो फर्स्ट है लेस देन ऑपरेटर एंड ग्रेटर देन ऑपरेटर, लेस देन इक्वल्स टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लास्ट में नॉट इक्वल टू। तो ये कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स है जिनसे हम दो वैल्यूज को या दो वेरिएबल्स की वैल्यूज को कंपेयर करते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं इनके बारे में। जब हम लोग कंपैरिजन करते हैं तो जो कंपैरिजन में जो रिजल्ट आता है वो एक बूलियन वैल्यू आती है। बूलियन वैल्यू मींस ट्रू या फॉल्स आएगा। अगर एग्जांपल के लिए अगर हम सिंपल सा एक ले लेते हैं, लेट रिजल्ट इक्वल्स टू 10 इज ग्रेटर देन 20। अगर हम ये कुछ इस तरह का अगर कुछ चेक कर रहे हैं एंड हम रिजल्ट को अगर चेक करना चाहें कि रिजल्ट में वैल्यू क्या, हमने यहाँ पर ग्रेटर देन जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे तो हमने ग्रेटर देन यहाँ पर ऑपरेटर को यूज किया है। हम चेक करना चाह रहे 10 इज ग्रेटर देन 20, तो रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, देखिए फॉल्स। जो कंपैरिजन ऑपरेटर का जब यूज करते हैं तो जो रिजल्ट हमें मिलता है वो हमेशा एक बूलियन वैल्यू मिलेगी, आइदर ट्रू और फॉल्स। So, ये हमने ग्रेटर देन यहाँ पर यूज किया। अब इसको हम हटा देते हैं। हमने एक लिया लेट ए इक्वल्स टू 20, बी इक्वल्स टू 10। इस तरह से दो वेरिएबल में वैल्यू ली। अब हम यहाँ पर कंसोल करना चाहते हैं, कंसोल डॉट लॉग। पहले हम क्या करना चाहते हैं, लेस देन ए इज लेस देन वी, मीन्स हमने यहां पर लेस देन ऑपरेटर को यूज करना चाहते हैं। तो देखिए हमें फॉल्स मिलता है, नो नॉट लेस देन। बट अगर हम इसको यहाँ पर जब ग्रेटर देन यूज करना चाहते हैं तो हमें ट्रू मिलता है। ये हमने क्या किया, ग्रेटर देन। ये हमने इस तरह से कंपेयर किया, दो ऑपरेंड्स की वैल्यू को हमने कंपेयर किया यहाँ पर। अब हम देखते हैं लेस देन इक्वल टू। अगर ये हमने क्या किया, सेम इसमें हम कर लेते हैं, लेस देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल टू, देखिए हमें अभी भी फॉल्स मिल रहा है। बट अगर हम इसको एक कुछ टाइम के लिए अगर इसको 20 कर देते हैं तो देखिए हमें इसमें भी ट्रू मिल जाता है, मींस ए की वैल्यू लेस देन है और इक्वल टू है, या तो लेस देन हो या फिर इक्वल टू, दोनों केस में यहाँ पर हमें ये ट्रू मिल रहा है क्योंकि फर्स्ट नहीं है बट सेकंड केस हमें मैच कर रहा है। तो दोनों में जो कंपेरिजन हो रहा है वो उसके जो रिजल्ट है वो हमें ट्रू मिल रहा है। सेम यहाँ भी कर सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू, इसमें भी देखिए हमें ट्रू मिलेगा क्योंकि दोनों में हमने क्या चेक किया है, आइदर लेस देन हो और इक्वल टू हो एंड ग्रेटर देन हो और इक्वल टू, तो दोनों इक्वल हैं तो दोनों में हमें ट्रू मिल रहा है। बट जैसे ही हम इसकी कोई भी वैल्यू यहाँ पर 25 कर देते हैं तो देखिए कौन सा केस चलेगा, वी इज ग्रेटर देन, तो हमारे दोनों केस में यहाँ तो वी जो है वो हमारा ग्रेटर देन है तो इसलिए ये वर्क करेगा एंड यहाँ पर ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि हमने ए को ग्रेटर देन एंड इक्वल टू चेक किया हुआ है।
तो ये फ्रेंड्स इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। एंड अब हम बात करते हैं इक्वल टू साइन के लिए, तो यहाँ हटा देते हैं। हमने क्या किया यहाँ पर, कंसोल डॉट लॉग ए इक्वल इक्वल बी, मीन्स इक्वलिटी चेक करें दोनों इक्वल है क्या, फॉल्स इक्वल नहीं है। अगर हम इसको 20 कर देते हैं यहाँ पर भी, एंड फिर देखिए हमें ट्रू मिल जाता है यहाँ पर। एंड फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर, ये तो बात है इक्वल के केस में इक्वल टू, अब हम यहाँ पर चेक करते हैं नॉट इक्वल, ए इज नॉट इक्वल टू बी, मीन्स अगर ये फॉल्स मिला, मीन्स इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपेयर क्या कर रहे हैं, हम यही कंपेयर कर रहे हैं कि ए जो है वो नॉट इक्वल टू बी, बी के इक्वल नहीं है, बट हमारे अभी जो वैल्यूज है इसके हिसाब से तो ये इक्वल है, तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, अभी फॉल्स मिल रहा है। बट अगर हम इसको कुछ चेंज कर देते हैं, कुछ और डिफरेंट किया हमने, तो देखिए ट्रू मिलता है। तो पहला केस तो हमारा यहाँ पर नॉट इक्वल टू, तो ये तो हमारा केस जो है वो ट्रू हो गया, यहाँ पर वैल्यू जो है वो ट्रू हो गई है, ट्रू मिल रहा है रिजल्ट। एंड इस केस में हमारा फॉल्स हो गया क्योंकि वैल्यू जो है वो दोनों सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, इसलिए। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं। हम चाहें तो दो स्ट्रिंग को भी कंपेयर कर सकते हैं। दो स्ट्रिंग को कैसे कंपेयर करेंगे, नेम वन इक्वल्स टू पंकज एंड लेट नेम टू इक्वल्स टू दीपक। हमने यहाँ पे क्या किया, कंसोल डॉट लॉग नेम वन इज लेस देन नेम टू, एंड इस तरह से दो स्ट्रिंग में फ्रेंडशिप कंपेयर करेंगे तो फॉल्स मिलता है। तो इसमें वो क्या करता है, कंपैरिजन में कैरेक्टर्स जो है उसका जो कैरेक्टर कोड उसको कंपेयर करता है, मीन्स न्यूमेरिकल इसमें वो चेक करेगा। एंड अगर हम यहाँ पर ये हमने दो में कंपेयर किया तो फॉल्स मिला, अगर हमने सिर्फ दीपक को ये चेक करना चाह रहे हैं नेम वन की वैल्यू है वो पंकज है क्या, अगर हम ये चीज चेक करेंगे तो हमें ट्रू मिलेगा यहाँ पर। अब एक चीज और चेक कर लेते, अगर हम यहाँ पर हमने यहाँ लिख दिया एप्पल एंड यहाँ पर हमने लिख दिया बनाना, एंड अब अगर हम ये चेक करें हमने क्या किया यहाँ पर, हमने ये चेक किया है यहाँ पर कि जो नेम टू है वो ग्रेटर देन है नेम वन से, बट यहाँ पर तो हमें फॉल्स मिल गया। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए कि हमने क्या कंडीशन की है, हमने क्या कंपैरिजन किया, हमने क्या कि नेम टू की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है नेम वन से, क्योंकि यहाँ तो 5 कैरेक्टर यहाँ 6 कैरेक्टर्स हैं उनकी जो कोड्स, बट यहाँ फॉल्स मिल रहा है। तो फॉल्स कैसे मिल रहा है, फॉल्स मिलने का रीजन ये है कि यहाँ पर जो बी के लिए बी का जो कैरेक्टर कोड है, बी के लिए कैरेक्टर कोड क्या है 66, एंड ए का कैरेक्टर कोड क्या है 97, एंड इसलिए क्या हो रहा है कि जो वैल्यू फर्स्ट वाली वैल्यू है नेम वो ग्रेटर देन हो रही है। अगर हम यहाँ पर देखें इस तरह से करते हैं कंपैरिजन तो हमें ट्रू मिलेगा। तो अगर हमें ये करना है तो इसके लिए हमें फिर ये वाला वी अगर हम यूज करते हैं तो देखिए हमें ट्रू मिलेगा, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है इसके लिए वैल्यू हमें ग्रेटर मिलेगी। तो इस तरह से हमें यहाँ पर स्ट्रिंग में कंपैरिजन कर सकते हैं। तो एक अच्छा जो है, अगर आप कभी भी कंपेयर करें तो इसको अगर हम ऐसे भी रहने देते हैं तो जो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि आप इसको टू लोअर केस चेंज कर सकते हैं। इस तरह से आप करके तभी आप इसको करेंगे तो ये आपका एग्जैक्ट रिजल्ट आएगा। अब आप देखिए ट्रू आएगा क्योंकि दोनों लोअर केस में चेंज हो गए।
तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोग जावास्क्रिप्ट में कंपैरिजन ऑपरेटर्स को चेक कर सकते हैं। इसमें कई सारी चीजें आप बूलियंस के साथ में कैसे वर्क करता है, ऑब्जेक्ट के साथ में कैसे वर्क करेगा, ये सारी चीजें हम देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जावास्क्रिप्ट में जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स है उनसे रिलेटेड आपके जो डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।